9 अप्रैल 2023 को फाइनली डीमन स्लेयर सीजन 3 रिलीज हो जाएगा और सीजन 3 सीजन 2 से भी ज्यादा खतरनाक होगा और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। बट ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ रखी है। ये सिर्फ सीजन 3 की नहीं बल्कि मैंने डीमन स्लेयर की पूरी मांगा पढ़ रखी है। बट मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर लेके नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि सीजन 3 एक्चुअली में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बेसिकली मैं आपके हाइप को यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला हूँ एंड आपको बिना किसी स्पॉइलर के सीजन 3 का बेसिक प्लॉट बताऊंगा कि सीजन 3 में बेसिकली क्या क्या होगा, या विदाउट एनी स्पॉइलर, मुझे पता है। तो यप, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब डीमन स्लेयर सीजन 3, जिसे सोर्ड स्मिथ विलेज आर्क भी कहा जाता है, बेसिकली इसका बेसिक प्लॉट तो यही होगा कि अपने तांजीरो, जिसकी सोर्ड में फिर से दरारें आ गई थी सीजन 2 में, वो एक बार फिर से अपनी सोर्ड को रिपेयर कराने के लिए एक रिक्वेस्ट डाला था, जिसके रिप्लाई में उसे काफी सारी गालियां मिली थी। यस, उसी बंदे से जो अपनी तांजीरो की सोर्ड को स्मिथ करता है, यानी कि उसने सिंपली मना कर दिया कि मैं तुम्हारी सोर्ड को अब रिपेयर नहीं करने वाला, तुमको मेरे बनाए हुए सोर्ड की कोई कदर ही नहीं है। बट अपने तांजीरो बिना फाइट के कैसे रह सकता है, उसको तो एक सोर्ड चाहिए ही चाहिए। दैट्स व्हाई उसे सजेस्ट किया जाता है कि वो सोर्ड स्मिथ विलेज में जाए, जहाँ पे वो पर्सनली रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरे सोर्ड को बना दो, एंड तांजीरो कुछ वैसा ही करता है। सोर्ड स्मिथ विलेज बहुत ही ज्यादा सीक्रेट एरिया है, इनफैक्ट 90% डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ये पता ही नहीं है कि वो है कहाँ, और जो लोग तांजीरो को रास्ता दिखा रहे होते हैं उन्हें भी नहीं पता कि ये विलेज कहाँ है। वो तांजीरो को आधे रास्ते छोड़ते हैं और आधे रास्ते से कोई और पिकअप करता है, एंड ऐसा चलता रहता है। बट जब तांजीरो वहां जाता है तो वहां पर उसे दो हाशिराज दिखाई देते हैं और ये गान्या भी दिखाई देता है। और हाँ, इसमें इसकी स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, आई मीन इसकी बैक स्टोरी और इसके रिलेशनशिप दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। और हाँ, ये कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाला है इस सीजन में। प्लस इस सीजन में नजुको के ऊपर भी काफी ज्यादा डीप में स्टोरी बताई जाएगी और नजुको की स्टोरी को एक स्टेप आगे ले जाया जाएगा। और हाँ गाइस, मुझे यकीन है कि आप सबने सीजन 3 के सारे अपर मून्स की आवाज सुन ली होगी, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी सारे अपर मून की वॉइसेस को रिवील कर दिया गया है। और हाँ, दैट्स व्हाई इस सीजन में सारे अपर मून को रिवील कर दिया जाएगा कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसी आवाज है, कैसे कैरेक्टर्स हैं एक्सेट्रा, जिनमें से दो अपर मून इस विलेज पर अटैक करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे दो हाशिराज। अब यहाँ पे मैं उन दो अपर मून्स का भी नाम नहीं लूंगा और उन दो हाशिराज का भी नाम नहीं लूंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी दो हाशिरा वर्सेस दो अपर मून की फाइट होगी, जहाँ बीच में अपना तांजीरो और ये भाई साहब थोड़े बहुत सोर्ड्स चला लेंगे। बट गाइस, एक्चुअली में ये सीजन काफी ज्यादा बवाल होने वाला है। बट इस सीजन का एक माइनस पॉइंट भी है, मतलब कि इतने सारे अच्छे अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ तो बेकार हो गई। तो ये एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी, और वो ये कि इस सीजन में जिनेत्सु एंड इनोसुके का स्टोरी आर्क है ही नहीं। आई मीन, जैसा कि सीजन 2 में आपने देखा होगा कि इनोसुके एंड जिनेत्सु की स्टोरी को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, इनके कैरेक्टर को काफी ज्यादा डेवलप किया गया, बट एक्चुअली में सीजन 3 में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग सीजन 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर और वीडियोस बना सकूं। एंड या, अब फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।